वेलकम बैक बॉयज एंड गर्ल्स टू अनदर एपिसोड ऑफ आइल ऑफ आर्मर, जहां पर पिछली बार हम लोगों ने यार बहुत मस्ती करी थी। हम लोगों ने थोड़े नई पोकन तो पकड़े ही थे, पर हम लोगों ने दो ट्रायल्स भी कंप्लीट कर दी थी। पर आज लगता है कि लास्ट ट्रायल होने वाली है, क्योंकि जो सर जी हैं यहाँ के मस्टर्ड, उन्होंने हमें अपने रूम में बुलाया है। तो जरा उनके रूम में जाते हैं, कुछ काम होगा उन्हें। डोंट वरी, द किड ऑन सूप ड्यूटी नोज व्हाट ही इज डूइंग, आई मेड श्योर आई टॉट हिम वेल। अच्छा हाँ, तो पिछले बार हम लोगों ने डायनामैक्स सूप पिया था भाई, वो तो बहुत ही सही चीज़ थी। ओ ये क्या है? अरे ये तो वो पोकेमोन है जो अभी नया आया है, मतलब गैला रीजन में। परफेक्ट, नाउ इट्स श्योर टू वर्क। ऑल दैट्स लेफ्ट टू इज टू फायर इट अप एंड विद द ऑन बटन। सो हियर वी गो, लेट्स पुश इट। ये मतलब भाई इन्वेंशन करता रहता है, इसलिए मुझे एक्सपी चार्म दिया था। क्या है भाई ये? ओ चालू होते से बंद हो गया भाई। इट पावर डाउन, मस्ट स्टिल नीड मोर वॉट्स। चाहिए तुझे वॉट्स, मेरे पास बहुत सारी हैं। चाहिए क्या भाई? Does my EXP charm seem to be working? Yes, it is working. ज़रा मैं देखूँ यार, अगर मैं इसको fix कर पाऊँ तो। Yes, I do like it. I thought you might be the type. That's my cramomatic. And just to be clear, it's the invention of the century. अच्छा, invention of the century भैया का। It's my very own brilliant take on recycling. अच्छा, recycle करने के लिए इसने बनाया ही है। चलो अच्छी बात है भाई, कुछ अच्छा काम कर रहा है। Though it doesn't do a thing right now since it's out of power. अच्छा वॉट्स और होते तो अच्छा रहता, कोई बात नहीं भाई, मेरे पास हैं वॉट्स, ले लेना मेरे से। All it would take would is a measly 500 watts to get the Krasmomatic running. I can give you that, bro. Seriously, yeah. I mean, I want to see it in action, so yep. I guess you are more the outdoor type, huh? Yes, I am. मेरे को भाई इंडोर से रहना पसंद नहीं है, गेमों में ओके। वैसे तो मैं इंडोर ही रहना पसंद करता हूँ भाई। आई लाइक टू प्ले गेम्स boy. ओके परफेक्ट, चलो भाई चालू हो चुका है। इफ यू पुट इन 4 ऑफ द एप्रिकॉन दैट ग्रो हेयर इन द आइल ऑफ आर्मर, देन यू माइट इवन गेट अ रेयर पोके बॉल। ओके, आई डोंट थिंक आई हैव 4 एप्रिकॉन्स यार, मेरे पास एक दो एप्रिकॉन्स ही होंगे। कंबाइन आइटम्स, लेट सी वॉट वी कैन कंबाइन हेयर। ओके, कैन वी कंबाइन बेरीज और समथिंग, लेट अस सी ब्रो। ओके, इन वेरीज को कंबाइन करके क्या होने वाला है भाई, देखते हैं जरा, आज पता चल जाएगा। ओ भाई टूट वूट ना जाए यार ये, ओ कुछ उगला तो है भाई इसने। ब्लॉक ऑफ ब्लैक स्लज, ये क्या होता है भाई? आइटम टू हेल्प बाय पोकेमॉन, इट ग्रेजुअली रिस्टोर्स एचपी टू पॉइजन टाइप पोकेमॉन। अच्छा, इट डैमेजेस एनी अदर टाइप, क्या बात है यार, ये तो भाई बहुत ही सही चीज़ निकली यार। इससे तो तुम आइटम्स निकलवा सकते हो यार, तो मैं अपने किसी पॉइजन टाइप को ही दूंगा तो अच्छा रहेगा यार। चलो बढ़िया। डिड द मास्टर कॉल फॉर यू टू? लगता है कि लास्ट वाला जो ट्रायल है वो होने वाला है गाइस, इसलिए उन्होंने हम दोनों को अकेला बुलाया है। देयर यू आर ऋषभ, क्लारा, थैंक्स फॉर कमिंग। गाइस लास्ट ट्रायल क्या हो सकती है? बैटल तो नहीं होगी क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी दो बार हरा चुका हूँ। आई हैव डिसाइडेड दैट यू टू विल नाउ टेक द मास्टर दोजोस फाइनल लास्ट अल्टीमेट थर्ड ट्रायल। यस, दैट्स व्हाट वी वर वेटिंग फॉर। Final, last, ultimate, third trial? What's that? What's that? Oh, so basically this is the last trial. Well, yes, that's the gist of it. You two are the only ones who successfully finished the second trial. बिल्कुल सही बात है। You have pushed each other to greater heights and helped each other grow. I don't think that is the case. वो मेरे को, उससे तो मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता है और उसको भी मेरे से फ़र्क नहीं पड़ता है, सच बताऊँ तो उसको बस जलन होती है, बस जलन। So I'd say it's time to finally see who's stronger. It's in a Dynamax Pokemon battle. अरे भाई, मैं finally अपना Gigantamax Scorbunny try कर पाऊंगा यार। I wanted to try that out from a long, long time यार। We're going to battle. That's the last trial. Yep, the rules are simple. Whoever wins will complete the trial. भाई ये तो बहुत ज़्यादा, अरे हाँ secret armor मिलने वाला है भाई, पता नहीं क्या secret armor है। But can I? Of course you can't, girl. इसको मैं already दो बार हरा चुका हूँ यार, it's not a big deal. The quote is a power spot, so you can dynamax to your heart's content. क्या बात करी लड़की, आई मीन सॉरी, ये तो मस्टर्ड बोल रहे थे, सॉरी सॉरी मस्टर्ड, आई एम गोइंग ऑन अहेड। जा भाई जा, आई मीन गर्ल, जिधर जाना है उधर जा तू। अच्छा इसके पीछे है, ओ नाइस, मुझे पता नहीं था कि इसके पीछे भी कुछ है। वेल दैट्स नाइस, मे बी यू हैव हेल्प्ड अवेकन सम सॉर्ट ऑफ पैशन एंड ड्राइव इन हर। अच्छा, पहले तो भाई ऐसे कूदती रहती थी इधर उधर, ऐसे बोल रही है। चलो भाई ये बहुत अच्छी बात हो गई, अब मैं अपने स्कॉर्बनी को भाई रख लेता हूँ आगे, क्योंकि मैं भाई सीधा स्कॉर्बनी के साथ जाना चाहता हूँ। ओके, और देखना चाहता हूँ कि क्या स्कॉर्बनी कर पाता है या नहीं। ओके,
वी आर गोना गो विद स्कोर बनी। थैंक यू एवरी वन फॉर योर गुड लक्स, जो किसी ने बोला नहीं है पर चलो कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ खुद से। वो भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ा ग्राउंड है इधर तो, हम वी कैन जायगंटामैक्स हियर ब्रो, दिस इज़ अ ह्यूज एस ग्राउंड ब्रो। चलो क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया। पर यहाँ पे कोई दिखने के लिए तो है नहीं बैटल के, अगर लाइक कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो कोई देख ले, नहीं तो चीटिंग करेगी ये लड़की, बता रहा हूँ मैं। ये लड़की चीटिंग की ना, तू ना देख लियो फिर। यू आर हेयर वैन आई बीट यू आई गेट द सीक्रेट आर्मर एंड देन आई बिकम अ पॉइजन टाइप जिम लीडर। मेरे को लगा ही था क्योंकि पॉइजन टाइप यूनिफॉर्म पहनी हुई है। आई गॉट टू विन नो मैटर वॉट। अच्छा आई एम गोना गो ऑल आउट एंड टोटली बीट यू। यू रेडी? यस आई एम गर्ल आई एम। अरे अच्छा हुआ कि मस्टर्ड और हनी आ गए। ओ भाई पप्लू टप्लू भी अपने लेके आए वो लोग। लुक्स लाइक द टू ऑफ यू आर रेडी, गुड लक। थैंक यू, आई एम चीयरिंग फॉर यू बोथ। मैं जानता हूँ अंदर ही अंदर से तुम्हें पता ही कि मैं ही जीतने वाला हूँ। ओके भाई यहाँ पर कैसे पहुँच गए बंदा? अरे बाप रे कुछ ज़्यादा ही फास्ट है भैया। चलो बैटल चालू करें। द मास्टर डोजोस फाइनल ट्रायल, रेडी सेट गो। ओहो भाई ओहो, तारे चमकने लगे हैं। एंड गो, क्या निकालेगी ये भाई? ये बैटल एपिक होने वाली है भाई। स्कोरूपी, ओके स्कोरूपी शायद इसके पास पहले नहीं था, अब इसके पास चार पोकन हो चुके तो आई गेस या दिस इज द न्यू थिंग ही हैज, आई मीन शी हैज। मैक्सिकन जेंडर्स टुडे, आई डोंट नो व्हाई। टाइम टू सेटल दिस। ओ एंड मे बी वॉच योर स्टेप, लुक्स लाइक टॉक्सिक स्पाइक समहाउ गॉट ऑन योर बैटल कोट। What? चीटिंग करी है इसने भाई, चीटिंग करती है ये लड़की भाई, चीटिंग करती है। अभी तो वो अटैक भी यूज नहीं किया भाई, इसने चीटिंग करी है यार। चलो फिर भी कोई बात नहीं यार, हम तो इसको हरा ही देंगे। नहीं इसको दोजो से निकाल देना चाहिए भाई इस बात पे तो मस्टर्ड को, बहुत ही गलत बात है ये तो, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है भाई। जायगंटामैक्स नहीं हुआ ये ब्रो, आई वॉज होपिंग फॉर अ जायगंटामैक्स द, आई वॉज होपिंग फॉर अ जायगंटामैक्स कर बनी। ओके आई थिंक कुछ और करना पड़ता है भाई उस चीज़ के लिए। तुम लोग को पता हो तो बताना मुझे यार, मेरे को लगा कि जायगंटामैक्स हो गई अभी पर हुआ नहीं। ओके सॉरी माई डियर पोकेमॉन, उससे ज़्यादा मैं खुद के लिए सॉरी फील कर रहा हूँ यार। जायगंटामैक्स कैसे नहीं हुआ भाई, दिस इज नॉट गुड, अच्छी बात नहीं है भाई ये तो। दूसरा पोकेमॉन पकड़ना पड़ेगा क्या मुझे? ऐसा तो नहीं है कि भाई स्टार्टर्स नहीं हो पाएंगे अपने? इट शुड नॉट बी द केस यू नो, इट विल बी वेरी बैड देन। आई थिंक मेरा स्कॉर्पियन ही संभाल लेगा भाई सबको। ओ वाह इवॉल्व कर लिया भाई इसने वीजिंग में, क्या बात है। कोई कोनू दिक्कत नहीं भैया क्योंकि हम मैक्स प्लेयर करने वाले हैं वैसे भी। ये बात, अरे हम वन टैप कर देंगे भैया इन सबको, आई मीन वन हिट कर देंगे। वॉटर टोटल भैया अभी जल्दी से जल्दी भाई 34 के होने वाले। एक्वाटील, क्या बात है, अच्छा मूव सीख रहा भाई बंदा। हम लोग चलो वाटर पल्स हटा देते हैं, एक्चुअली टील में पटा सकता था मैं। चलो ठीक है कोई बात नहीं, वाटर पल्स हटा देते हैं भाई, तभी यूज मतलब तब कुछ खास नहीं वाटर पल्स। वाटर टील इज बेटर। वर्लीपीड आने दो भैया, हमने कब मना किया? वर्लीपीड पर तो सुपर इफेक्टिव होंगे हम। लेट्स गो स्कॉर्बनी, आई मीन सिंड्रेस। स्कॉर्बनी बोला क्या मैं इतनी देर से? सॉरी सिंड्रेस। चलो इसका लास्ट पोकन बचाए गए, बस लास्ट पोकन इसका कौन सा स्लो पोक है इसका लास्ट पोकन। इसको इसने इवॉल्व कर लिया होगा शायद से स्लो ब्रो। हाँ देखते जरा इवोल्यूशन कैसे दिखता है भाई इस बंदे का, मैंने देखा नहीं अभी तक। There's no way I'm losing. I ain't letting you go till the bitter end. तूने वैसे भी स्टार्टिंग में चीटिंग तो करी दी। ओह अच्छा लग रहा है वैसे, तब बुरा नहीं है। Oh no. वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ गया। चलो कोई बात नहीं, पायरो बॉल इस्तेमाल करके देखते एक बार। अरे लड़की वॉच आउट ऑडियंस, वन डोज ऑफ क्लारा पॉइजन एंड देयर इज नो टर्निंग बैक। अच्छा ओहो ओहो ओहो, चार्म देख रहे हो लड़की का। वैसे कभी कभी ऐसे लगता है कि गेम लैग हो रहा है पर एक्चुअली लैग नहीं होता है, मैं बता दूँ तुम्हें। लाइक दिस गेम इज 30 FPS, 30 FPS में ऐसा तुम्हें लगता होगा कि थोड़ा सा लैगी सा है पर है नहीं एक्चुअली। इसको हराने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि इसने अब जायगंटामैक्स कर लिया, डायनामैक्स कर लिया सॉरी। मैक्स काइजर
ब्रो ओके बच गए हम लोग, क्योंकि हम 100 लेवल के अगर नहीं होते ना तो हम पक्का मर जाते भाई सही में। दैट्स राइट डेट माय पॉइजन ड्राइव यू क्लेजी क्लेरेजी क्लेरेजी। ओके पायरो बॉल से ओ माय गॉड अच्छा खासा डैमेज पड़ गया भाई, अच्छा खासा डैमेज पड़ गया भाई इससे तो। ओके वेल दैट्स गुड, लेट्स यूज वन मोर पायरो बॉल एंड गेट दिस गाय। ओके अरे हाँ अभी तो और इसका ताकत और हो जाएगा यार अटैक की, ओ रेंज चल रही शिट। ओके आई शुड हैव थॉट अबाउट दैट कि भाई पॉइजन भी तो डैमेज देगा, मैं भूल गया था उसके बारे में, और ऊपर से भाई रेंज चल रही तो ऑफकोर्स इसके डैमेज भी बफ अप हो गए। चल कोई बात नहीं, हमारे पास टॉक्सिट्रिसिटी है, वो कुछ ना कुछ संभाल ही देगा भाई, आई हैव फेथ इन हिम। कम ऑन टॉक्सिट्रिसिटी गेट दिस गाय स्ट्रेट ओवर ड्राइव कर। ओ भाई टॉक्सिसिटी देख रहे हो भाई, उससे ज़्यादा तेज है मेरा, पर हरा नहीं पाया, मेरे को लगा था हरा देगा यार, ये तो गलत सीन हो गया। ओ माय गॉड ओके बच तो गए हम लोग कम से कम। ई का है भैया, इसको मैंने क्या दे रखा है, अच्छा लेफ्ट ओवर दे रखा था इसको मैंने, नाइस बेचाला। डायनामिक्स खत्म हो गया बेचाले का, अब क्या होगा तेरा लड़की, ये ले कुछ नहीं भाई, हम लोग जीत चुके हैं भाई, ये बैटल स्टार्टिंग से ही भाई प्रूवन थी कि कौन जीतेगा राइट। ओ माय गॉड ओके ओके शी इज होल्डिंग अप, व्हाट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट एट द लास्ट मोमेंट ब्रो। ओके दिस इज बैड फॉर अस, हाँ आई मीन मेरे को थोड़ा सा और उसको लाइक खत्म कर रहे हैं, बट फिर भी वाज नॉट पेइंग अटेंशन आई शुड हैव। ओके लेट मी जस्ट डू क्रंच ब्रो, लेट अस सी, ओ या वी हैव वन ब्रो, वी हैव वन जी जीज द पी जीज ब्रोइस। और लास्ट वाला पोकेमॉन हमारे रॉकक्राफ्ट ने मारे, तो इसको भाई तगड़ा वाला एक्सपीरियंस मिलने वाला है, देखते हैं कितना मिल रहा है। और 3000 क्या बात है भाई, क्या बात कहती है, चलो बढ़िया। कैसा लगा तुम्हें फिर से हार के मेरे से, उम्मीद है कि अच्छा ही लगा होगा। ओ रॉकक्राफ्ट इवॉल्व भाई, मेरे को नहीं कराना था यार, मैं बी होल्ड कर रहा हूँ भाई, बी होल्ड कर रहा हूँ मैं, मेरे को नहीं कराना अभी, आई वॉन्ट दैट स्पेशल वाला फॉर्म जो ऐश के पास है। द विक्टर हैज बीन डिसाइडेड, द वन टू कंप्लीट द थर्ड ट्रायल इज यू ऋषभ, थैंक यू, हुरे हुरे, दैट वॉज अमेजिंग, व्हाट अ फियर्स बैटल। वैसे मैं बता दूँ रॉकक्राफ्ट मिड डे फॉर्म में ही इवॉल्व होता है, क्योंकि अभी दिन हो रहा है, तो फिर आई एम श्योर के यू गाइज वोंट हैव लाइक डेट, क्योंकि ऑलरेडी भाई लाइक एंड रॉक वाला मिल जाता हमें, तो हम लोग वो वाले ऐश वाले फॉर्म के साथ जाएंगे। ओके तू ये बता, तूने चीटिंग क्यों करी भाई, तेको इतना इनसिक्योर था क्या। वेल दिस स्टिंग्स, आई डू एवरीथिंग इवन चीट अ लिटिल एंड स्टिल लूज, आई डोंट एक्सपेक्ट अ यंग टैलेंटेड किड लाइक यू टू गेट रियली गेट इट, बट आई रियली वॉज ट्राइंग यू नो एज हार्ड एज आई कुड, मुझे पता है तू ट्राई कर रही थी, तूने बहुत सारे पोकर मेरे हारा भी दिए थे, बट स्टिल यार मतलब वो चीटिंग जो तूने की ना वो अच्छी बात नहीं थी। Maybe it's time for me to give up on my dream of being a gym leader. When you know no one said that, किसी को भी अपनी dream give up करने की ज़रूरत नहीं है. You can tell the master that I cheated. चल छोड़ यार, तू भाई यार ऐसा मत कर. It was supposed to be a fair battle and I cheated just so I could win. That's your strength, Rishabh. Kindness towards both your Pokemon and your rivals. Thank you, master. I should apologize on Clara's behalf too as her master. What she did was wrong, but she just didn't want to be beaten by her rival, that's all. She's a good hardworking student. Master, thank you. Bichari, I'm sorry, Rishabh. As for your punishment, Clara, you are going to look after the Pokemon in the dojo for 6 months by yourself. Oh, bhai sahab. What I mean, yeah, that's a lot of work, but is that all? Of course. Let's work on strengthening your heart. Arre, kya baat hai, yaar. ऐसा होना चाहिए भाई, मस्टर्ड कितना बढ़िया बंदा है यार, पर मेरा आर्मर तो दे दे, थिंग्स आर सेटल्ड हेयर, यू मस्टर्ड सो मच एफर्ट एंड ट्राइड सो हार्ड, थैंक यू, पर मेरा आर्मर, टू यू हु हैज कंप्लीटेड ऑल द ट्रायल्स आई ग्रांट द सीक्रेट आर्मर ऑफ द मास्टर दोजो, भाई मजा आने वाला है, सीक्रेट आर्मर मिलेगा, इट विल टेक सम टाइम टू प्रिपेयर सो आई विल गो अहेड एंड गेट थिंग्स सॉर्टेड, पर आर्मर का मैं करूँगा क्या भाई इस गेम में, मतलब आर्मर का करूँगा क्या मैं, एंड दैट्स ऑल गैंग एज यू वर, ओकी डोकी, एज यू वर का मतलब नहीं पता तो शायद ये होता है कि जहाँ पर तुम थे वापस वहीं पे लौट जाओ ऐसा कुछ। ऋषभ बोल लड़की,
वेल ओ लीकार्ड, थैंक यू, हमने एक और दोस्त बना लिया है आइल ऑफ आर्मर में। यू आर रियली स्ट्रांग। अरे अरे भागो मत, थोड़ी बातचीत करते हैं ना कॉफ़ी के साथ। चलो कोई बात नहीं, लड़की थोड़ी शर्मीली है, कोई बात नहीं है। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई अभी तक कि मैं जायगंटा मैक्स क्यों नहीं कर पाया यार। सच में मैं इससे भाई बनवाना चाहता हूँ, मेरे पास मशरूम्स पड़े हुए हैं। सो आई वॉन्ट टू मेक दिस मैक्स सूप एंड मेरे को देना है भाई अपने पोकेमॉन को। आई वॉन्ट टू गिव टू सिंड्रेस। इफ दिस सिंड्रेस ड्रिंक्स मैक्स सूप इट विल बी एबल टू जायगंटा मैक्स। करना था पहले ये, करना था यार पहले ये करना था। चलो यार एक मैक्स रेड बैटल में जाते हैं गाइज अभी और ये ट्राई करके आते हैं, क्योंकि मैं भाई ऐसे नहीं जाने दे सकता ये अपॉर्चुनिटी। ओके आई वॉन्ट टू जायगंटा मैक्स। चलो इसको ये लाइक मेरे को नहीं पता इसे प्रिपेयर किया है कि नहीं किया है, जो भी करना था। बट मेरे को भाई पहले जो चीज़ करनी थी वो मैं करके रहूँगा, जो है जायगंटा मैक्स करना। मैंने कैसे मिस कर दिया, मुझे वो सूप बनाना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी यार, मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ इस वाली डेन में, क्या पता कि हम लोग इस वाले में जायगंटा मैक्स कर पाएँ। राइट लेट्स गो। इसमें कुछ तो शायद मिलना चाहिए, ज़रूर है वगैरह भी। वैसे पता है आजकल इवेंट चल रहा है तो या ये वाला तो यार नहीं ले रहे अपन, कोई और जल रहा है क्या भाई, उसमें चले जाते हैं। कोई अगर होना चल भी नहीं रहा जैसे कि ये वाला, इसमें हम लोग विशिंग स्टार डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ज़रोरा वाला इवेंट चला जहाँ पे अगर 1 मिलियन ट्रेनर्स अगर ज़रोरा को हरा देते हैं। भाई मेरे पास विशिंग स्टार्स नहीं है क्या? व्हाट, आई एम प्रिटी श्योर मेरे पास विशिंग पीसेस थे बहुत सारे। ओके वेल दैट्स फाइन देन। ओ रिसीव मियाउथ, व्हाट, आई थॉट कि भाई व्हाट वाला बंदा है, पर ये तो भाई वो वाला बंदा निकला। ओ अलोलन में आउट दिया इसने मुझे। ओके इसने मतलब मैंने उसको थोड़े डिगलेट्स वापस किए और उसने मुझे अलोलन में आउट दे दिया। नाइस यार। ओके बट द थिंग आई वाज होपिंग फॉर वाज व्हाट्स, और व्हाट्स कहीं इधर ही लाइक व्हाट्स नहीं सॉरी विशिंग स्टार्स। ये बंदा तो नहीं बेचता था यार विशिंग स्टार्स। अच्छा व्हाट ट्रेडर ये रहा, तो विशिंग पीसेस ये रहे भाई, इनको खरीदते हम थोड़े से लाइक 10 खरीद लेता हूँ यार, काम आते रहते हैं, हमारे पास वैसे भी काफ़ी सारे वॉट्स हैं। एंड नाउ लेट अस ट्राई इट, इस वाले में ही ट्राई कर लेते हैं, सामने ही है एक विशिंग स्टार। डालो भैया, देखो ज़रा ज़रूरा आ जाए तो मज़े ही आ जाए यार। ओके पर ये फूंगस है, इसको हराने में काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा, तो मैं इन्वाइट डोंट इन्वाइट अदर्स करने वाला हूँ। एंड लेट अस सी क्या हम लोग इस बार जायगंटा मैक्स कर पाते हैं कि नहीं। यार एक मेजर बैटल में हमारा जायगंटा मैक्स रह गया, सॉरी फॉर दैट गाइस, बट चलो कोई बात नहीं, ये वाली भी काफ़ी अच्छी रहेगी अगर इसमें भी जायगंटा मैक्स अगर हम कर पाए तो। कम ऑन बी एबल टू जायगंटा मैक्स बॉय, ओ यस वी कैन, आई मीन वी कैन डायनामैक्स बट आई डोंट नो अबाउट जायगंटा मैक्स। जी मैक्स फायर बॉल, यस वी कैन बॉयज, लेट्स गो। देखते हैं भाई कैसा लगता है इसका जायगंटा मैक्स, मैंने देखा वीडियोज में पर इसमें अलग ही मज़ा आएगा यार। बड़ा बूम, ओ भाई ओ भाई ये क्या है? अच्छा हाँ फायर बॉल के ऊपर खड़ा होता है ये, हाँ हाँ भाई तगड़ा लगता है, भाई तगड़ा लगता है यार ये ब्रो, इट लुक्स ऑसम एज हेल ब्रो। ओ भाई पूरी फायर बॉल ही फेंक देता है उस पर। ओके दैट वॉज ऑसम ब्रो, दैट वॉज एक्चुअली ऑसम, बहुत सही था यार ये तो, पूरी की पूरी इतनी बड़ी फायर बॉल को लात मारता भाई बंदा। और छोटे स्कॉर्ब वो क्या नाम है उसका, एक वो अपने बनी वाली पोकन होती है ना उसकी तरह दिख रहा है, उसके कान वान लंबे से हो गए एकदम मस्त वाले, मज़ा ही आ गया भाई। एंड देयर वी गो अगेन बॉयस, इससे कम से कम शील्ड तो जाएगी और भाई हेल्थ भी बहुत ज़्यादा गई, क्या बात है। मेरे को लगता है अब तो ये लोग ही हरा देंगे क्योंकि इसकी शील्ड भी चली गई ना, तो काफ़ी ज़्यादा ये अब खराब हो चुका है भाई इसका हेल्थ। येप देर यू गो, पिकाचू ने काफ़ी अच्छा डैमेज करिए भाई, एंड इससे हो जाना चाहिए भाई। अरे नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं। चलो मैक्स नकल ट्राई कर लेता हूँ, हम लोगों ने वो तो ट्राई कर ही लिया, मैक्स नकल कैसे होता है ज़रा देखें। यार मेरा मूव क्यों नहीं लगा पहले यार, देखना था मेरे को। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अभी तो भाई बहुत हमको जी मैक्स बैटल्स करनी है, तो हमने एक ही ऐसी कर ली टाइम पास करने के लिए। इस पर हम लोग फेंक देते हैं अल्ट्रा बॉल, मेरे को पकड़ने को भी शौक नहीं है अमुंगस को, पर फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है, पकड़ ही लेते हैं अगर हो रहा है तो। मुझे तो भाई ज़रूरा को हराना है, कुछ दिनों बाद हम लोग ज़रूरा वाला जो इवेंट है ना उसमें पार्ट लेंगे भाई, और ज़रूरा को हराने में मदद करेंगे।
लाइक अगर 1 मिलियन प्लेयर्स ने ज़रूरत को हरा दिया ना, तो फिर लाइक ऐसा होता है कि तुम्हें शाइनी ज़रूरत मिलता है। हाँ, शाइनी ज़रूरत गिफ्ट में मिलता है भाई, तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे। एंड येस, वी हैव कॉट दिस गाई, नाइस, जी जीस। लेट अस गेट आर आर्मर नाउ। अब तो हमें अपना आर्मर लेके आना है बस। आई एम हेयर टू गेट माई आर्मर बॉय, गिव इट टू मी। तैयार कर लिया क्या वैसे तुम्हें आर्मर? कि कुछ करना पड़ेगा मुझे उससे पहले? प्लीज़ मत बोलना कुछ और करना पड़ेगा, प्लीज़। देर यू आर ऋषभ, कीपिंग दिस ओल्ड मैन वेटिंग। सिंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल 3 ट्रायल्स, आई गिव यू द सीक्रेट आर्मर ऑफ द मास्टर डोजो। ओके, वेयर इज द सीक्रेट आर्मर? सीक्रेट आर्मर इज द पोकेबॉल। वाओ ब्रो, कफू है सीक्रेट आर्मर, व्हाट द व्हाट व्हाट? ओके, ओ ओ माय गॉड, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, क्या बात है, कितना एक्साइटेड है भाई बंदा, क्या बात है भाई। ओहो, डर मत मेरे से, ए ए डर मत भाई, अपन दोस्त बनेगा रे। क्या भाई, हंस क्यों रहा है भाई, थोड़ी दोस्ती करा दे। तो भाई कफू सीक्रेट आर्मर है, ओके दैट इज समथिंग। दिस पोकेमॉन इज इन फैक्ट द सीक्रेट आर्मर ऑफ द मास्टर डोजो। अच्छा, से हेलो टू कफू। आई नो इट्स टाइनी, बट रेज इट विद डेलीगेंस एंड इट विल बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू सी यू थ्रू एनी बैटल। क्या बात कर रहे हो, लाइक हमने देखा है भाई, इवोल्यूशन बहुत तगड़ा लगता है। और आई हैव डिसाइडेड टू गो टू द टावर ऑफ डार्कनेस ब्रो, बिकॉज आई एम डार्क इन साइड, आई एम ईविल, लाइक जस्ट लाइक अ सूट ऑफ आर्मर। ओके, नो ओपोनेंट विल बी एबल टू गेट पास्ट इट। दिस वन इन पर्टिकुलर हैज अमेजिंग पोटेंशियल, प्रॉब्लम इज इट्स अ बिट शाय, इट जस्ट डजंट सीम टू हैव मच कॉन्फिडेंस इन इट सेल्फ। सो आई वॉज थिंकिंग ऋषभ, मे बी इफ इट जॉइंस यू ऑन योर एडवेंचर, that will help it break out of its shell a little bit. So take care of Kafu, okay? It's in your hands now. Well, okay then, thank you. Aaja Kafu. Pyale pyale. Bhai, uska muh dekh rahe ho? Pura matlab aise dukhi wala muh ban rakha hai iska. Kitna ganda unsmile kar raha hai ye. Is unsmile a word? I don't know. Kafu, don't worry. You'll be okay with me. कफू बिकेम यार पोकेमॉन। अरे भाई, अब आएगा मजा यार, कफू मिल गया हमको। आई वॉज एक्चुअली विशिंग फॉर सम सीक्रेट आर्मर, बट वेल ओके, नो प्रॉब्लम। सेंड टू बॉक्स ब्रो, कम ऑन, डोंट सेंड माय पोकेमॉन टू अ बॉक्स, दैट इन गुड। मे बी टेक इट टू अ स्पॉट दैट हैज अ ग्रेट व्यू ऑफ द आइल ऑफ आर्मर, आई विल हैव माय स्टूडेंट स्टैंडिंग एट गुड स्पॉट्स, सो जस्ट कीप एन आई आउट। And of course, having battles or camping out together will also help you become more friendly toward each other. What else? Oh, I know. I hereby grant you permission to keep a Pokemon out of its Pokeball on Isle of Armor. Nahi. ये फीचर कब ऐड किया इन्होंने भाई? इन्होंने बताया भी नहीं कि फीचर ऐड कर रहे हैं। तुम अपने Pokemon को अपने Pokeball के बाहर रख सकते हो Isle of Armor में। Like, सिर्फ आइल ऑफ आर्मर में या वहाँ पर भी? आई डोंट नो यार, शायद आइल ऑफ आर्मर में रख सकते हैं। यू कैन नाउ लेट द पोकन एट द हेड ऑफ योर टीम आउट ऑफ इट्स पोकल एंड टेक इट फॉर अ स्ट्रोल स्टोल। यू विल बी फ्रेंड्स इन नो टाइम इफ यू वॉक टुगेदर, गो एंड टेक अ स्टोल विथ कप फूड, वाई डोंट यू? ओके देन, वाई नॉट ब्रो, तुम कर सकते हो ये यार, क्या बात है। आजा भाई कप्फू, फिर तो चलते हैं यार, ये तो बहुत ही सही चीज़ है। कहाँ है भाई कफू, जरा देखें। चलो, मेरे को लगता है घरों के अंदर शायद तुम नहीं रख सकते पोकेमॉन को बाहर, बट घर के बाहर रख सकते हो मे बी। वो अभी तो स्कॉर्बनी है मेरा बाहर। ओ स्कॉर्बनी, ओ भाई, ए स्कॉर्बनी व्हाट्स अप, हैं सब बढ़िया? अरे यार भाई, अगर हम फ्लाइंग टाइप रखते हैं तो ऐसा वो लेट्स गो पिकाचू जैसा रहता है क्या? आई वॉन्ट टू ट्राई। ओके, मेरी भाई पार्टी पूरी फुल हो गई थी आई गेस, इसलिए भाई ऐसा हो गया, उस कफू को अंदर रख दिया। We don't want that bro, we want our Kafu back. Where is he? भाई मेरे पास इतने खाली बॉक्सेस क्यों हैं यार? Where is my Kafu boy? Give it to me. Okay, there he is. Kafu भाई आजा, कोई दिक्कत नहीं है, 10 लेवल का है भाई Kafu बस। Okay, well we got a train him, I guess. Train करना पड़ेगा भाई उसको हमें। और अमूंगस को मैं अंदर रख देता हूँ आई गेस, या अमूंगस की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। और किसको अंदर रखूँ यार मैं, मतलब मेरी पार्टी ऑलमोस्ट फुल हो ही गई है भाई, और मुझे किसी को ट्रेन भी सही से करना पड़ेगा, ऐसे ट्रेन ही नहीं हो पा रहे मेरे बंदे तो।
चलो कोई बात नहीं, ट्रेन कर लेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आजा भाई, स्कर बनी। जरा कफ्फू को भी मैं आगे रखता हूँ यार, कफ्फू को आगे रख के देखते हैं। ओ आई वॉन्टेड टू ट्राई आउट द फ्लाइंग टाइप थिंग राइट, एक बार वो ट्राई करके देखता हूँ। चारिज़ार्ड है ना हमारे पास, इसको ट्राई करके देखते हैं गाइस। आजा भाई चारिज़ार्ड, इसको बाद में अंदर रख देंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है भाई इसको ट्रेन करने की अब। लाइक वी वॉन्ट टू ट्राई आउट न्यू पोकेमॉन राइट, दैट्स वाई। चार्जर्ड है क्या बाहर? वो चार्जर्ड है तो सही, पर तुम उस पर फ्लाई नहीं कर सकते यार। ओ वो रुक गया वहाँ पे। आ रहा है आ रहा है आ रहा है यार, अगर फ्लाई कर सकते तो कितना मज़ा आता भाई सही में। और कोई पोकेमॉन कुछ बोल भी नहीं रहे हैं यार। चलो ठीक है, पर फिर भी यार कितना मज़ा आएगा भाई अब तुम पोकेमॉन के साथ बाहर घूम सकते हो, इट विल बी अ लॉट ऑफ फन। चलो कफ्फू को आगे रखते हैं जिससे थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस बढ़े भाई हमारी उसके साथ, और थोड़ा शाइनेस कम हो उसकी राइट। अभी तो बहुत ज़्यादा ही बेचारा शाये शाये टाइप का है। जल्दी चलो भैया जल्दी चलो, पीछे रह जाओगे तुम। जल्दी आओ यार, क्या कर रहे हो तुम? बहुत धीरे धीरे चल रहा है बंदा। अरे टेलीपोर्ट हो जाते हो, गलत गलत बात है गलत बात है। एक बार कफ्फू के लिए थोड़ा टेंट वेंट बना के देखता हूँ मैं। ये कैंपिंग वाली जो चीज़ होती है इससे भी लाइक फ्रेंडली नेचर थोड़ा बढ़ता है, तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू ट्राई आउट दिस। ए भाई कफ्फू इधर आना, हम लोग थोड़ा सा इसको टॉय वॉय से खिलवाते हैं तो इसको थोड़ा मज़ा आएगा। आजा आजा आजा, हे कफू प्ले विद दिस। ओ मारेगा मारेगा, देखो मारेगा भी। ए बात नाइस। चलो इससे भाई थोड़ा फ्रेंडलीनेस बढ़ती है बेसिकली, तो हम बीच बीच में ही कर लिया करेंगे जिससे कि कफू हमारी तरफ शाई ना रह जाए। और उसने एक और चीज़ बताई थी शाइनेस कम करने के लिए कि काफ़ी सारे टॉप स्पॉट्स हैं, तो वहाँ पर जाके अगर हम बात करें इनके ट्रेनर से तो फिर लाइक थोड़ी सी शाइनेस कम होगी। मतलब इसको हमें नज़ारे दिखाने हैं ऐसा कुछ करके बोला था उन्होंने, विच इज़ ओके आई गेस वील डू दैट। अरे एक और चीज़ भाई मैं भूल रहा था, लेट मी ट्राई दैट। अरे नहीं जा सकते, तो मेरे को लगा था कि यहाँ से पीछे कोर्ट से एक रास्ता था जिससे तुम ये ले सकते हो, लाइक यहाँ पे बगल में एक रास्ता है, मैं दिखा देता हूँ तुम लोग को, ये वाला रास्ता यहाँ पर तुम ये अगर कोई पोकल हो तो वो ले पाओगे, पर यार वहाँ पर जा ही नहीं पा रहे हैं पता नहीं क्यों, और यहाँ से जाने का रास्ता है नहीं यार। ओके तो गाइस मैं चेक कर रहा था कि हम लोग अपने रॉकरफ को कैसे इवॉल्व कर सकते हैं डस्क फॉर्म में, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर आर लाइक रॉकरफ बिकॉज इसकी जो एबिलिटी है वो कीन आए है, तो कीन आए एबिलिटी से नहीं होता है, एक दूसरी एबिलिटी होती है उससे हो पाएगा भाई, इस एबिलिटी से नहीं हो पाएगा। उस एबिलिटी का नाम है लाइक ओन टेम्पो करके कुछ नाम होता है उस एबिलिटी का, तो उससे ही हो पाएगा, अगर इसका एबिलिटी नहीं है तो नहीं हो पाएगा। और वो एक स्पेशल इवेंट में दिया गया था सॉर्ड एंड शील्ड में, तो एलेक्सन एंड मून में सॉरी। ओ भाई कफू एरियली सीख रहा है, मैंने भी ये सभी रॉकरफ पकड़ा है एक जिससे मैं देख सकूं कि उस पर कोई अगर ओन टेम्पो आ गया तो। वैसे तो यार बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही रेयर एबिलिटी है ये, इसके पास वाइटल स्पिरिट एबिलिटी है। चलो मैं ट्राई करता रहूँगा यार, अगर हमें मिला तो बहुत अच्छी बात होगी यार। मैं अगले एपिसोड तक ट्राई करूँगा कि मुझे मिल जाए, अगर मिल सकता हो तो, अगर पॉसिबल हो तो। बढ़िया गाइस दैट इज़ इट। और मुझे एक और चीज़ वैसे बता देना कि लाइक मुझे कौन सा और पोकेमॉन जाइगेंटामैक्स करना चाहिए। अब तो हमारे पास डायनामैक्स सूप वाली चीज़ आ गई है, क्योंकि अब तो हमारे पास भाई डायनामैक्स सूप वाली चीज़ आ गई है, तो हम लोग उन पोकेमॉन को जाइगेंटामैक्स करा सकते हैं जो कि हो सकते हैं। तो मुझे बता देना कि हमें किस किस को करना चाहिए। ओके अगले एपिसोड में हम लोग देखते हैं, क्या पता हमारा वाटर टर्टल भी इवॉल्व हो जाए और ब्लास्टोइज बन जाए, फिर हमें ब्लास्टोइज को भाई एक बार जाइगेंटामैक्स वाली चीज़ खिलानी पड़ेगी, तो उससे सही रहेगा भाई, कम से कम हम लोग उसको भी जाइगेंटामैक्स कर पाएंगे। बट या गाइस दैट इज इट, थैंक यू फॉर लाइकिंग, थैंक यू फॉर कमेंटिंग एंड शेयरिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट।